तेलुगु टाइटंस अब अगले दौर में नहीं जाएंगे, ये बात तय हो चुकी है। और गुजरात को अगर प्लेऑफ में जाना है तो आज भी जीतना है, अगला मैच भी जीतना है, उससे अगला भी, उससे अगला भी। पहली रेड एमजीआर महेंद्र गणेश राजपूत और मेरे साथ आ गए हैं मंत्रमुग्ध कमेंट्री बॉक्स में। और आपने कहा था कि राकेश उतरेंगे रेड करने के लिए, दो राकेश है और एमजीआर है यहाँ पर, लेकिन सवाल यह है प्रदीप क्यों नहीं, अजय क्यों नहीं? मुझे लगता है कि आज स्पीडी रेडर्स को पकड़ा है मनप्रीत सिंह ने। मनप्रीत ऐसे कोच है मंत्रा, पहले तो ये देखिए क्या रनिंग हैंड टच किया सुरेंद्र को बाहर किया। मनप्रीत ऐसे कोच है जो हमेशा अपने विरोधी को सरप्राइज करते हैं। बिल्कुल सही, और आपने कहा ये हैंड टच किया, मैं तो कहता हूँ हैंड टच नहीं, महेंद्र राजपूत ने केवल हाथ उठाया था, वो सुरेंद्र को लग गया। और यहाँ पर तेलुगु टाइटंस ऑल आउट के करीब, गल्ला राजू इस वक्त रेड पर है, गल्ला राजू सब्स्टिट्यूट आए हैं। प्रवेश भैंसवाल बैक होल्ड किया पर गल्ला राजू एस्केप, शानदार सुपर रेड की संभावना है। हां जी, गल्ला राजू ने बताया कि टाइटंस हार नहीं मानेंगे। सब्स्टिट्यूशन तेलुगु टाइटंस, कोच का दुखी होना बिल्कुल लाजमी है। ओवर कॉन्फिडेंस फिर से, गुजरात का सीजन बड़ा ठंडा गरम रहा, खट्टा मीठा रहा, डिफेंस नहीं चला। सुरेंद्र सिंह की डाइव हुई है और संघर्ष चल रहा है। सी अरुण ने ये जो पलटी मरवाई उससे मिला सुपर टैकल। टाइटंस हार नहीं मान रहे, लगातार ऑल आउट को टाल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं गुजरात को। क्या बेहतरीन यहां पर ग्रिप है सुरेंद्र की, और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्लिप आउट हो चुके थे, लेकिन सी अरुण ने आकर जो पलटी मारी है। गुजरात जायंट्स जिनके पास अभी भी मौका है, ओह शानदार डबल एंकल्स पे डाइव लगाई, ये है आदर्श बालक, आदर्श टाइटंस का, आदर्श टाइटंस। ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं चले, क्या शानदार डबल एंकल्स पे डाइव लगी और साथ में आकाश चौधरी का सपोर्ट। रेडर कंप्लेसेंट हो गए, डिफेंडर बिना वजह एडवांस टैकल कर रहे हैं, हालांकि अभी टाइम बाकी है। एमजीआर आउट, सुरेंद्र और से अरुण की जोड़ी छा गई। दो मिनट बाकी है और प्रदीप एज अ सब्स्टिट्यूट अभी तक ज्यादा चले नहीं है, एक पॉइंट मिला है। और तेलुगु टाइटंस के साथ वही हो रहा है जो इस पूरे सीजन होता रहा, अंतिम 120 सेकंड में हमेशा तेलुगु टाइटंस जब लीड में रहती है गेम अपने हाथ से फिसलने देती है। दो पॉइंट से हराया है तेलुगु टाइटंस को और प्लेऑफ में जाने के गुजरात के आसार पूरी तरह से जीवित है।